गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करके बोलते हैं कि सुनो भाई, आप मेरा भी बार में काम लगवा दो एज अ सिंगर। जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एज अ बार सिंगर मुंबई में 13 साल काम किया मैंने, बहुत काम किया मैंने, और उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी डाले हुए हैं। तो लोग जब उस वीडियोज़ को देखते हैं, जो सिंगर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, तो वो मेरे को कमेंट करते हैं और बोलते हैं सुनो भाई प्लीज़ हेल्प मी। आप चाहें तो उन सारे वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि सुनो भाई प्लीज़ 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 मेरा काम लगवा दो। बहुत सारे लोग तो इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं, काफ़ी शॉकिंग ये बात है, और आपको बोलूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए अगर आपके मन में भी बार में काम करने का एज अ सिंगर ख्वाब है, ख्वाहिश है कि मैं मुंबई जाऊं और बार में काम करूं मेरे जैसा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। दोस्तों, जब मैं होटल लाइन में स्टार्टिंग में गया था 2005 में, तो उसके करीब 1 साल 1.5 साल बाद की बात है। मतलब होटल लाइन में मैं नया नया था, 2007 की ये बात है। मैं घाटकोपर ईस्ट में 90 फीट रोड है, वहाँ पर कई सारे ऑर्केस्ट्रा बार हैं, वहाँ पर एक बार में मैं काम करता था। उस बार का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बताना यहाँ ठीक नहीं होगा। तो 2007 में मैं उस बार में मैं काम करता था, और मेरे साथ जो हुआ बस आप इतना समझो कि मैं मरा नहीं उस दिन, बस इतना जानूँ, और बाकी सब कुछ हुआ। तो क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको भी सोचना चाहिए कि बार में काम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ बात है। तो ये वीडियो आपको वही बात समझाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे बार में एक कस्टमर आया, उसने बहुत दारू पिया, उसको शायद चढ़ गया, जो भी हुआ, उसने मेरे से कोई गाना बोला। मैंने वो गाना लेने में थोड़ा सा देर किया क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, सब गाने बोले रहते हैं, तो किसका किसका गाना आदमी ले। लेकिन जो भी वहाँ पर आता है तो अपने आप को दारू पीने के बाद गुंडा समझता है, वो भाई बन जाता है, तो उसका यही रहता कि पहले मेरा गाना ले, पहले मेरा गाना ले, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मेरे को थोड़ा देर हो गया, तो उसने मेरे को गाली देकर बुलाया। मैं गाली भी यहाँ पर नहीं दे सकता, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो उसने मेरे को गाली देकर बुलाया और बोला कि क्या रे, तेरे को बोला ना मैंने गाना लेने को, तू गाना नहीं लिया मेरा अभी तक। मैंने बोला अरे भाई और लोग भी हैं यहाँ पर, अभी लेता हूँ थोड़ी देर में। तो उसने जो है बहुत और भी गालियाँ दी मेरे को। तो मैंने आकर जो बाउंसर को बोला, मैंने बोला वो उसको कस्टमर को जो देखो जरा, वो गाली वगैरह दे रहा है, उसका ज़्यादा हो गया है। तो कस्टमर ने उसके ऊपर ध्यान दिया थोड़ा सा कि जरा कुछ ही ऐसा करेगा तो मैं आ जाऊँगा। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने उसका गाना लिया, बात खत्म हो गई, पूरा नाइट खत्म हुआ। रात को 1:30 बजे जब होटल बंद हुआ, तो मैं और मेरा एक दोस्त वहीं पर काम करता था, रवि नाम था उसका, वो भी सिंगर था, मेरे साथ ही काम करता था उसी होटल में। तो हम दोनों लोग कल्याण रहते थे, तो हम लोग जो है रात भर घाटकोपर स्टेशन पर रहते थे। जब 1:30 बजे अपने होटल से निकलते थे तो हम लोग घाटकोपर स्टेशन आते थे, पास में ही था, और वहाँ पर बहुत सारी रेड़ियाँ लगी रहती हैं, खाने का ठेला लगाता है, भुर्जी पाव, अंडा पाव, भजिया पाव, हर चीज़ वहाँ पर मिलता रहता है। तो हम लोग को 2 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक घाटकोपर स्टेशन पर रहना पड़ता था, क्योंकि उसके बाद ही सुबह की पहली लोकल आती थी। तो हम लोग उससे जो है कल्याण जाते थे और सुबह 6 बजे घर पहुँचते थे, तब हम लोग सोते थे। तो रवि मेरे साथ हमेशा रहता था क्योंकि हम लोग को जाना कल्याण ही रहता था, तो हम लोग स्टेशन पर भी हमेशा साथ ही रहते थे। तो दोस्तों, जब उस दिन ये घटना हुआ और उसके बाद रात को 1:30 बजे हम लोग का होटल बंद हुआ, हम लोग जब बाहर निकले, हम और रवि मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, हम लोग बाहर आए, तो वो बंदा सामने मिल गया जो उलझा था मेरे से होटल में, और उसने मुझे रोक लिया, गया रुक गए। मैं बोला, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, अरे यार ये तो फिर उसने जो है गाली गलौज किया, और मैंने बोला कि अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा गाना लिया ना मैंने, अब क्या खत्म हो गया बात, जाओ घर जाओ, तुम्हारा ज़्यादा हो गया है। उसने नहीं माना यार, उसने फिर भी वहाँ पर और 2-4 लोग थे, उनको उसको हटाया, समझा कर हटाया, कह रहे भाई क्या कर रहे हो जान दो। और हम लोगों ने तुरंत जो रिक्शा लिया, हम लोग रोज़ पैदल जाते थे, लेकिन उस दिन जब हम लोगों ने रिक्शा लिया, क्या जल्दी से यहाँ से हटो साला ये पागल हो रहा है, हम लोग वहाँ से घाट पर स्टेशन आ गए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। वो बंदा घाट के ऊपर स्टेशन पे आ गया थोड़ी देर बाद, और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो तलवार लेकर आया, एकदम नंगी तलवार लेकर। और मैंने देखा, मैं तो एकदम डर गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना डरा था मैं उस दिन। वो मेरी तरफ, जो मेरे को टारगेट किया था उसने, रवि को नहीं, मेरे फ्रेंड को नहीं किया था उसने, मेरे को ही टारगेट किया था। वो मेरी तरफ आया तो रवि ने मेरे को बोला कि देख सुनो, तू डरना मत, आज इसका उसने बोला कि अब इसकी शामत आ गई है, इसको बताता हूँ मैं, तू डरना मत। जब वो मेरे पास आया और तलवार से उसने मुझे मारने की कोशिश की, तो एकदम फिल्मी अंदाज में, जो मेरा फ्रेंड रवि था, उसने तलवार को दोनों हाथ से पकड़ लिया, एकदम फिल्मी अंदाज में। आपने वैसा सीन फिल्मों में देखा होगा, हम लोग लाइव वैसा हुआ। मुझे भी लगा कि अरे यार इसका तो हाथ कट जाएगा, लेकिन फिर भी वो जानता था कि अगर नहीं पकड़ूंगा तो साला ये तलवार मारेगा, ये तो नशे में है, तो कुछ अनहोनी हो सकता है। तो उसने दोनों हाथ से तलवार पकड़ लिया, और जब तलवार पकड़ लिया उसने, फिर उसने मेरे को बोला कि सोनू तू मार इसको अब। तो मैंने पीछे से इसको कई, मतलब भूसा,
मारा तो ये गिर गया। जब गिर गया तो फिर तलवार इसके हाथ से छूट गया और उसके बाद मैंने और रवि ने उसको करीब 20-25 मिनट तक बहुत बुरी तरीके से मारा। केवल इस डर से मारा कि अगर ये उठ के खड़ा हो जाएगा तो फिर ये कहीं तलवार लेकर, इस डर से हम लोगों ने उसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही मारा। जब मारा तो जिसने टैक्सी वाले ऑटो वाले सब स्टैंड खड़े रहते हैं सब स्टेशन के बाहर, रात का समय था, शोर हुआ हल्ला हुआ तो सब इकट्ठे हो गए, बहुत सारे आ गए टैक्सी वाले ऑटो वाले, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और हम लोगों को नॉर्मली ज़्यादातर लोग जानते थे वहाँ पर कि अरे ये दोनों तो आर्टिस्ट हैं, ये दोनों रात को रोज आते हैं यहाँ पर स्टेशन पर रहते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो रोज काम करके वहाँ स्टेशन पर जाते थे, 2-2.5 घंटे रहते थे, फिर सुबह के लोकल से जाते थे, तो हम लोग को लोकल जो टैक्सी वाले ऑटो वाले थे, रेहड़ी वाले ठेले वाले सब जानते थे। तो हम लोगों ने बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, सारा ये ऐसा बेवड़ागिरी कर रहा है। बाद में पुलिस भी किसी ने बुला दिया, पुलिस भी आ गई। फिर जब पुलिस आई तो हम लोग वहाँ से फिर पंतनगर थाने में आए, फिर वहाँ पर हम लोगों ने मैंने अपने जो है सेठ को फ़ोन किया, ओनर को, मैंने बोला कि सर ऐसी सी बात है, वो जो बंदे ने जो बार में लफड़ा किया था वो बाहर भी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा लफड़ा किया। तो फिर जो मेरे जो ऑनर थे वो थाने आए और उन्होंने फिर बोला, मतलब बताया वहाँ पर पुलिस वालों को कि भाई ये तो होटल में ही परेशान कर रहा था और बाहर निकल के ऐसा करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो मतलब तैसे तैसे करके उस बंदे को फिर पुलिस वाले ने भी बहुत मारा वारा और फिर हम लोग वहाँ से बाहर आए और मैंने उसी दिन से उस होटल में काम छोड़ दिया। मेरे फ्रेंड ने नहीं छोड़ा, रवि ने नहीं छोड़ा, बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि यार ये इसने मेरे को टारगेट किया है, एक बार रवि को तो वो छोड़ भी देगा बट इतना मारा इसको हम लोगों ने आज तो ये मेरे को ऐसे नहीं जाने देगा, तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी बताने का जो मकसद था वो यही था कि बार में काम करना आसान नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ नहीं करते हो, आप किसी को गाली नहीं देते हो, आप किसी को कुछ भला बुरा नहीं कहते हो, सामने वाला जबरन आपके गले पड़ जाता है, सामने वाला जबरन आपसे उलझ जाता है और बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती, वो बाहर आ जाता है। अब क्या बताऊँ कि कहाँ कहाँ वो आ जाता है और क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो बार में काम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मुंबई में बार में वही आर्टिस्ट काम करते हैं जो बॉलीवुड में स्ट्रगल करने गए होते हैं, जिनको अपना किचन चलाना होता है, जिनको अपना खर्च चलाना होता है, वही बार में काम करते हैं। बार में काम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, सबको पता है कि बार में बहुत डेंजर है, बहुत रिस्क है। पैसा तो मिल जाता है, 1,500-2,000-1,800 रोज मिल जाता है, लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा है कि आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और उसके बारे में कभी कोई बताता नहीं। ये पहला वीडियो है जो मैंने बनाया और आपको बता रहा हूँ कि बार में ऐसे ऐसे बेवड़े कस्टमर भी आते हैं, गुंडे आते हैं, मवाली आते हैं, वो आपके जबरन आपके गले पड़ जाएंगे, आप अकेले रहोगे, सीधी सी बात है आप तो अकेले ही रहोगे और कौन रहेगा आपके साथ। आप 2 बजे रात को बाहर निकलोगे, आपको कोई पकड़ लेगा, चाकू मार देगा, तलवार मार देगा, गोली मार देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके मन में बार सिंगिंग का ख्याल आता है और आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं क्यों नहीं रिप्लाई करता हूँ, मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक तो आप पहली बात आप मेरे जैसे नहीं हो, आप मेरे को दुबला पतला देख रहे हो लेकिन आप जानते नहीं हो कि मैं कैसा हूँ। अब आप सोचो कि मैंने 13 साल बार में काम किया, कैसे कैसे लोगों को मैंने फेस किया होगा, कैसे कैसे लोगों से मेरा झगड़ा हुआ होगा, रोज रात को 1:30-2 बजे निकल के मैं वापस आता हूँ तो कैसे कैसे लोगों से मुझे मिलना पड़ा होगा और मैं किस टाइप का हूँ और कितना स्ट्रांग हूँ मैं, ये बात आपको मुझे देख कर नहीं लगता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हेल्थ से भले मैं स्लिम हूँ, स्लिम फिगर हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई में ज़रूरत पड़ने पर रात को 2 बजे 2:30 बजे एक दो को नहीं, ये तो एक स्टोरी आपको मैंने बताया है, मैंने 13 साल में कम से कम 40 लोगों को मारा होगा और बहुत तबीयत से मारा मैंने कि सामने वाला भी हैरान हो गया, हक्का बक्का, कह रहे यार इसको तो दुबला पतला देखा, सोचा साला इसका तो हम सब कर लेंगे लेकिन ये तो भारी पड़ गया, मैंने ऐसा ऐसा मार मारा है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है मुंबई सेंट्रल का, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया था, रात को 2 बजे मैं होटल से निकला और मुझे कुछ जो पॉकेट मार लुटेरे टाइप के वो चाकू लगाकर मेरे से मेरा पर्स मोबाइल लेने के चक्कर में मैंने उसको बहुत मारा, बहुत जिसको बोलते हैं ना, बहुत जिसको मारना बोलते हैं वो मार मैंने उसको, आधा घंटा तक मैं उसको घड़ी देखकर इतना मारा मैंने उसको ना, लेकिन मैंने उसको अपना पर्स मोबाइल, तो मैं डरता नहीं हूँ कहीं पर भी मैं चले जाऊँ, मैं डरता नहीं हूँ, कहीं कोई भी रहे मेरे सामने मैं डरता नहीं हूँ, मैं उसको फेस करता हूँ। अगर कोई मेरे साथ रॉन्ग करेगा तो मैं उसको फिर कुछ भी हो जाए फिर मैं उसके साथ भी रॉन्ग करता हूँ, तो आप वैसे नहीं हो पाओगे, मैं जानता हूँ आप मेरे जैसे नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मेरे भाई बार में काम करना सबके बस की बात नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसको करिए। अगर आप सिंगर हैं तो YouTube इस समय सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप YouTube पे अपना चैनल बनाइए, आपको रोज़ नहीं होता है वीडियो डालने को, आप 6 महीना में एक वीडियो अपना डालिए, गाना बनाइए, वहाँ पर आप जो है
और स्ट्रगल करिए। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आकर आप यहाँ पर अपने सिंगिंग को लोगों को दिखाइए। बाहर का सपना छोड़िए, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पर भी आप बाद में चलकर पैसे कमाने लगोगे। और ये चैनल मैंने क्यों बनाया है, इसीलिए तो बनाया है क्योंकि मैं सारा कुछ दुनियादारी कर चुका हूँ, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दुबई हो, चाहे मस्कत हो, चाहे आबू धाबी हो, सिंगापुर हो, वो सब मैं कर चुका हूँ। एक एक बात से वाकिफ हूँ मैं इस लाइन के। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे यही लगा कि यार अपना तो सिंगिंग का जो टैलेंट है या जो शौक है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैं यही सोच लिया कि यार जब मेरा गाने का मन करेगा मैं गाना बनाऊंगा स्टूडियो में और अपने चैनल पर डाल दूंगा। यहीं मैं अपने गाने की जो ख्वाहिश है, जो भड़ास है, वो निकालूंगा। बाकी बाद में काम करना। मैंने 2019 से 16 मार्च 2019 को लास्ट मेरा दिन था, उसी दिन से मैंने बाद में काम करना छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा झेल चुका था 13 साल में। और बस झेलता इसलिए था क्योंकि पैसा मिल जाता था, 50,000, 40,000, 60,000, 45,000 महीना हमको मिल जाता था, तो इसीलिए झेलता था। लेकिन अब जो है झेलने लायक बिल्कुल नहीं है, जान तक जाने की नौबत आ जाती है। आज का जो सिचुएशन चल रहा है मुंबई में, जान तक जाने की सिचुएशन आ जाती है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। सामने वाला आपके साथ कुछ भी बड़ा क्राइम करके जा सकता है, आपको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।